नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। डॉन मुख्तार अंसारी को सुपुर्दे खाक कर दिया गया है। करीब ढाई साल से बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की गुरुवार देर रात हार्ट अटैक से मौत हो गई थी और अब डॉन को गाजीपुर में कालीबाग स्थित कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया है। इन्हीं चीजों के बीच मुख्तार अंसारी की एक आखिरी तस्वीर सामने आई है, जिसमें मुख्तार के बेटे उमर ने अपने पिता के मूंछों पर ताव दिया है। दरअसल तीन दिनों से बीमार चल रहे जेल में बंद मुख्तार अंसारी की तबीयत गुरुवार रात अचानक बिगड़ गई थी, जिसके बाद जिला अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल, एसपी अंकुर अग्रवाल, कई थानों की पुलिस के फोर्स के साथ मंडलीय कारागार पहुंचे। करीब 40 मिनट तक अधिकारी जेल के भीतर रहे। इसके बाद मुख्तार को एम्बुलेंस से दोबारा मेडिकल कॉलेज ले जाया गया और फिर अस्पताल में मुख्तार की मौत हो गई। मुख्तार को सुपुर्दे खाक करने से पहले एक आखिरी तस्वीर उसकी सामने आई है, जिसमें मुख्तार का बेटा अपने पिता की मूंछों पर ताव देता दिख रहा है। अब ये तस्वीर सोशल मीडिया पर जोरों शोरों से वायरल हो रही है। लोग इसे पोस्ट कर रहे हैं और कई लोग तो इमोशनल भी हो रहे हैं। जिस तरह से अंतिम विदाई में मुख्तार का बेटा अपने पिता की मूंछों को ताव दे रहा है, बहुत से लोग इसे भावुक कर देने वाला पल मान रहे हैं। आपको भी बता दें, डॉन मुख्तार अंसारी की मूंछों की भी खूब चर्चा होती रही है। शुरू से ही मुख्तार ऐसे ही मूंछें रखता आया है, हमेशा अपने मूंछों पर ताव देता आया है। कहा जाता है कि इसी से उसका भौकाल भी सबके सामने बनता था। यही कारण है कि शायद मुख्तार का बेटा भी एक आखिरी बार मुख्तार की मूंछों को ताव दे रहा था। मुख्तार का छोटा बेटा उमर अंसारी इससे पहले भी भावुक होते हुए नजर आया था। पिता की मौत से दुखी उमर अंसारी लगभग रो दिया था। आखिरी में आपको उस भावुक कर देने वाले बाइट के साथ छोड़े जा रहे हैं, जिसमें उमर अंसारी लगभग रो दिया है। सुनिए, क्या लगता है आपके किस तरीके का? उमर भाई, अभी आप अपने पिता के शव को देख के आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या क्या स्थिति है शव को देखने के बाद? आपको क्या लग रहा है भैया? क्या लग रहा है इसको बताने से क्या फायदा, जब माननीय न्यायालय में बता रहे हैं। जी, माननीय न्यायालय के समक्ष विधायक जी ने लिख कर दिया 19 तारीख को उनको खाने में जहर दिया। क्या हो गया? तबीयत बिगड़ी, आईसीयू लाए गए, बीमार थे। 12 घंटे के अंदर इतना प्रेशर पड़ा कि डॉक्टर स्वतंत्र रूप से इलाज भी नहीं कर पाए। आईसीयू से, आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा कि आईसीयू से इंसान वार्ड में जाता है, प्राइवेट वार्ड में जाता है, या आईसीयू के बाद जो यूनिट होता है उसमें जाता है। यहाँ आईसीयू के बाद सीधा तन्हाई बैरिक जेल, और तन्हाई बैरिक जेल की और उसका आलम यह है कि आज प्रशासन सौ को सपोर्ट करने को, और हार्ट अटैक के बाद जो सब बात आप लोग के सामने। सौ में कुछ संदिग्ध समझ में आया? चौको देखकर किसी तरह का संदेह? देखिए, मैंने चेहरा देखा है सिर्फ, और जो हम लोगों को पापा ने खुद बताया है उसके मुताबिक यही है कि उनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा था, जिसको वो कई बार से माननीय न्यायालयों में, बल्कि अब तो सारे देश में सब मीडिया के माध्यम से सबको ये बात जान चुका है कि हम पूरा परिवार हमारा और खुद हमारे फादर इस बात को कहते रहे कि हमें जहर दिया जा रहा है, लेकिन कहाँ सुनवाई, क्या सुनवाई? शव के लिए प्रशासन ने क्या बात किया? पोस्टमार्टम कब तक होगा? हमारी कोई बात नहीं हुई है। घर के बड़े बड़े जो हैं अफजाल बाबा, जो सांसद जी, उनकी बात हुई है डीएम साहब से, सबसे वही बात कर रहे हैं। वही बात, वो आएंगे सांसद जी? नहीं, वो आएंगे नहीं, वो बात कर रहे हैं। अब सुबह से हमको अपडेट करेंगे, उनकी तबीयत नहीं ठीक है, वो इस समय दवा लेकर किसी तरह उनको पोस्टमार्टम के लिए। क्या कह रहा है प्रशासन? सुबह होगा पोस्टमार्टम, सुबह मजिस्ट्रेट की निगरानी में पोस्टमार्टम। कितने डॉक्टर का पैनल बनाया गया है, क्या कुछ जानकारी? सब वो लोग जानेंगे।